दिया खा गया इसे। इन्हीं का सेवा होता है का है? और छोटका नहीं होता है का? नहीं, छोटका को सिर्फ हम संभालते हैं, हम लोग दोनों का भी से बांट दिया गया है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रूबी आर्या ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी सुबह की बज रहे हैं 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और आज काफी ज्यादा ठंड है, अभी धूप भी नहीं निकला है, कोई गारंटी नहीं है धूप निकलेगा ही। और आज देखिए, मैं बहुत सारा काम भी करना है, प्लस मैं 2 किलो टिफिन भी रेडी करना है। और आज सुबह सुबह इनका क्या हो रहा है देखिए, सुबह सुबह ये बॉल खेलना शुरू कर दी। क्या कर रहे हो बेटा, क्या कर रहे हो डुगू? हाँ, एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में बॉल है। क्यूकू सोए हुए हैं, अगर वहां अंदर खेलेंगे, रुकी निकाल दे रहे रुकी। और ये क्या करते हैं ना, खेलते खेलते डाल देते हैं इधर, और इधर हम पटाए हैं, सारा मेरा खराब करेंगे। नहीं, जिधर खेलिए जाइए। पहले हम जा रहे हैं बाबू के लिए स्कूल के, सारा नाश्ता से रेडी करते हैं फटाफट से। और ये सुबह सुबह उठ के अपना काम में भिड़े हुए हैं, इधर देखिए। हेलो, ठंड भी काफी ज्यादा है ना। और इधर देखिए, इधर रखे हैं हम भिंडी, तो बाबू के लिए भिंडी का भुजिया भूज देंगे। और इधर लाए हैं कटहल, अभी कटहल थोड़ा महंगा है बट अच्छा लगता है अभी खाने में, ये भी सीजनरी में खाने में अच्छा लगता है। जब बड़ा हो जाता है ना तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता है। खाजी आज नया डिश बनवा रहे हैं इसलिए उसकी खुशी में, कटहल का भी सीजन नहीं है फिर भी कटहल मिला। हाँ। और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। नहीं तो अब मिलेगा धीरे धीरे, बड़ा नहीं छोटा साइज का मिलता है, अभी तो खाने में अच्छा लगता है जी। अभी बहुत कम मिल रहा है मेरा कारण, कहीं कहीं मिल रहा है, आपको हर जगह नहीं मिलेगा ये। हमारे कारण भी है। हाँ, और अभी हमारे चीकू सो रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। अगर उनको जगा देंगे तो वो अपने पापा का भी काम नहीं करने देंगे, और मेरा भी सुबह का जो नाश्ता बनाते हैं ब्रेकफास्ट वो भी नहीं हम तैयार कर पाएंगे। तो पहले फटाफट से हम रेडी कर देते हैं, इधर हीटर भी जलाकर हम थोड़ा सा भी पैर हाथ धोए से सेके अच्छा लगा हमको, तो चलिए। और अभी इधर डुगू का बदमाशियाँ शुरू हो रहा है, उनको भी कितना घींच के अंदर ला रहे हैं लेकिन ये सुन ही नहीं रहे। इधर ठंड होती है, कितना खेलने का मन करता है बेटा। और आज जो देख रहे ना बागीचे मेरे उधर साइड से, ये सारा मुझे आज साफ करना है। मैडम जी को इतना ठंडा लग रहा है कि एक तरफ हीटर जला लिए हैं और फिर सब्जियां कट कर रहे हैं, और इतना रियाय क्यों कर रहे हैं रूबी? बिल कितना जाएगा? आपके कहने का क्या अर्थ है, बिल के चलते हम ठंडा ठंडा आ रहे हैं, अभी हमको ठंडा से बच के रहना है। इधर हम कट कर लिए भुजिया, इधर कट कर रहे हैं हम कटहल है। अच्छा, हाँ ठीक है, पर इसमें निकालेंगे जी। बढ़िया से पसूल सबसे कटता ही नहीं है। नहीं, पसले से कट नहीं है, ये देखिए बहुत बचा है, लेकिन जी खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, पता नहीं कैसा लगेगा। चीकू उठ गए हैं और डुगू साहब टीवी चला दिए, क्यों चलाए हैं आप? और इनका यहाँ चल रहा है मस्ती, और कितना खुश होते हैं टीवी चलाने के बाद। का? हाँ, टीवी देखो। बस बस, हाँ थोड़ा सा पले बाबू बने बाबू बाबू चुमा लेने के लिए देखे क्या कर रहे थे। आ रहे हैं ऋतिक मम्मी का आशीर्वाद लेने, तो ये देखिए। खुश रहिए बेटा, खुश रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अच्छा जाइएगा, ठीक ना बेटा? अब अपाल दे दीजिए चीकू को, और चीकू को अपाल दीजिए बाबू को, चीकू को अपाल, चीकू चीकू को। नहीं, मन नहीं है अभी। हाँ। आपको प्रणाम कर दिए, बस अभी करवा लीजिए। थोड़ा सा बोलना पड़ता है इनको, अभी सिखा रहे हैं हम लोग ना। और ये कितना खुश है कि अब स्कूल जा रहे हैं। और आप टोपी नहीं पहने, पापा को जय किए थे, पापा को जय कर दीजिए। हाँ वही से हो गया जय। चलिए कोई बात नहीं, तो आप ना स्कूल में बढ़िया से रहिएगा, पढ़िएगा ठीक, बदमाशी नहीं चलेगा। है हाँ, बढ़िया से। फूल नहीं लेके जाते हैं स्कूल में, किसको देना है यार, जबरदस्ती फूल तोड़ना है तो नहीं पता क्या हो रहा है। तो दोस्तों, हमारा नाश्ता तो हो गया, क्योंकि हम सुबह सुबह नाश्ता कर ले रहे हैं,
और इधर डोगू के पापा अभी नाश्ता नहीं किए हैं, बोल रहे हैं कि थोड़ा सा साफ सफाई कर लेते हैं, इधर उधर घास उस भी साफ करना है। और बाबू चला गया स्कूल तो थोड़ा टाइम मिलता है। दूसरी तरफ इधर हमारा चिक्कू, वो भी थोड़ा सा आराम कर रहे हैं, मतलब उनको नींद आ गई है तो वो सो गए हैं। और इधर जुड़ चुके हैं साफ सफाई करने, पूरा हटा दीजिए जी यहाँ से, क्योंकि गेट खोलते हैं ना तो पूरा गेट के पास पूरा ये लग जाता है, तो डर है बच्चा का आँखों में लगने के लिए। इधर नहीं फेंकी, इधर भी दूध चुएगा, बाहर फेंक देंगे। नहीं नहीं दूध चुएगा, वहीं पे रखिए, घास के पास ही रखिए। दूध क्या करेगा? नहीं फिर भी जहर न है, पूरा नीचे से काटिए, और ये रहने दीजिए, पूरा नीचे से काटिए, हाँ पूरा काटिए, थोड़ा सा रहने दीजिए, पत्री खाली बस। तो ये इसलिए लाया था ताकि सांप घर के अंदर ना आए ना, तो ऐसा कोई रीजन नहीं, उसका जंठन भी रहेगा तो चलेगा। पूरा हटाइए, पूरा पूरा हटा दीजिए, हाँ लर भी हटा दीजिए, बहुत नहीं 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 कुंदरी को नहीं, कुंदरी नहीं खाना चाहिए, बहुत लोग सलाह दिए हैं कुंदरी नहीं खाने के लिए। आपको तो सिर्फ खाना है हम लोग को पपीता, ये पपीता बहुत फल रहा है, और ऊपर देखिए पक्का पक्का। हम लोग काम की वजह से नहीं हो पा रहा था और हम उधर घर पे चले गए थे, क्योंकि हमारा परिस्थिति इस प्रकार का था तो ये भी नहीं साफ कर पाए डुगू को संभालना, प्लस में बाबा जी भी सबको यहीं पे थे तो परेशानी हो रहा था। उसको हटाइए ना, पूरा तो ठीक हो गया जी, सड़ गया पूरा, देर दिया खा गया इसको। उधर कोना में रखिए ना, उधर साइड में किनारे रख दीजिए, उसको भी जब तोड़ के रखना है, टाइम मिलेगा तो हम करेंगे, खाली आप साफ करके छोड़ दीजिएगा। बहुत लेकिन घर में ही हो गया है तो सबका सब दिया दिया तो दिया बर्बाद कर दिया है। सारा नोच दीजिए, हाँ पूरा हटाइए, पूरा पूरा हटा दीजिए, रस्सी रहने दीजिए, कहने फिर काम आएगा नहीं रस्सी, कुछ बोना होगा हमको उधर, तो जब ये फुनगी नहीं उसेगा फिर फरना शुरू हो जाएगा। उधर मोटा डांट है उधर रहने दीजिए, बाकी सब हटा दीजिए, चढ़िए ना दीवार पे, दीवार पे चढ़िए, उधर हटाइए पीछे से, या गेट टूटने ना पाए। जब तक हम नहीं बताएंगे तो ये कुछ काम नहीं होगा, हमको पता है सब। पपीता नहीं तोड़ना है, बस उधर हटाना है अभी, आराम से पीछे गिरिएगा नहीं। हटाइए, हाँ मेरे मत फेंकिए। इतना था अलार्म घर में लगा हुआ था, साफ बिछा का डर भी तो है, ये सब रहेगा तो, इसीलिए रूबी कहना में कि सब हटा ही दीजिए, क्या कर रहा है, पूरी फल दे नहीं रहा है। अभी धूप अच्छा लग रहा है, इधर चिकू को भी हम कर दिए हैं तेल मालिश, सब चेंज कर दिए, दवा भी पिला दिए हैं, अभी यहाँ पे खेल रहे हैं मस्ती से। आप बोलिए साफ हो गया ना? बिल्कुल बहुत फ्रेश हो गया, हमारे पास वो झाड़ू नहीं बास होता ना तो और बढ़िया साफ हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। इस खाली इतना बिन के छोड़ दीजिए, हटा दीजिए, बस अति करते हैं, हाँ इन घास को हटा दीजिए, और उधर लकड़ी रखा हुआ है। तो आप सबको चूल्हा पे कोई चीज रेसिपी चाहिए तो प्लीज हमें कमेंट में बताइएगा, हम शेयर करेंगे, चूल्हा का रेसिपी अच्छा लगता है बनाने में, वैसे तो नहीं भी कर पाएंगे फिर भी कोशिश करेंगे। ठंडा का दिन है ना, तापने के लिए मिल जाएगा, खाना ही बन जाएगा। इतना अलकर लग रहा था ना, जो सांप बीच का ज्यादा डर लगा था। क्यों नहीं, बहुत अच्छा, इसे तो बोलते हैं कि हमेशा काम करते रहिए। इनको हम हमेशा सुनाते रहते हैं। देखिए तो बहुत दिन से पड़ा था घास वास ये सब चीज। दोस्तों खाना निकल गया, कटहल का सब्जी, रोटी और चावल। और मैडम जी सुबह से दो बार हम खा लिए, हो गया खाते हुए, मान रहे हैं दो बार का टाइम तो कैसे नहीं खाएंगे, अगर आप एक टाइम खाएगा तो आपकी गलती है। और कुकर में बनाए थे कटहल, ये देखिए कितना मस्त एकदम दिख रहा है। डुबू का भी नाश्ता हम कर लिए डुबू के साथ में, और अभी भी नाश्ता हम खाना बनाए, गर्मा गर्म चावल को खाने का मन कर दिए, तो खा लिए। और आप दोपहर में खा लिए तो आप दोनों दे दिए, आप दोनों खा लीजिए एक बार। अभी हो रहा है बड़े बेटे की सेवा, छोटे वालों को सुला दिए हैं अभी, और देखिए यहाँ पे पैर वार भी एकदम मस्त जता रहा था अभी, और देखिए कैसे खिलाया जा रहा है अपने बड़े वाले बेटे को, सिर्फ इन्हीं का सेवा होता है, का है? और छोटा नहीं होता का? नहीं छोटा को सिर्फ हम संभालते हैं, हम लोग दोनों का अभी से बांट दिया गया है, बड़ा वाला इनका जिम्मा है, जो बहुत ही संस्कार दिए हैं, जो हम संस्कार नहीं दे पा रहे थे तो मुझे बहुत सारा गालियां ही पड़ा था। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही दोनों का जिम्मा है, बस फर्क यही है कि ये हमसे ज्यादा प्यार करते हैं और छोटे वाले इनसे ज्यादा प्यार करते हैं। देखिए पापा देखे,
भुजिया स्वाद लगता है ना जो मैंने भात के खा कभी भुजिया भात के साथ खाना है इनका बहुत आदत खराब है। अगर हम लगातार दाल बनाते हैं ना तो दाल भी नहीं खाते हैं ये कहा हुआ। चलो आज बाबू को ले चलते। बाबू का आपा दिए थे बेटा? बाबू का आपा दिए थे? हम क्यों देखेंगे? आप देखिएगा। लेकिन क्या बोल रहा है तू? देखो बहुत मार खाइएगा यार। दोस्तों आज किचन में बन रहा है खीर जो कि इनके गेला के बाद हम लोग खाए ही नहीं और ये लगभग हमको लगा 3 महीने के बाद खाने को मिलेगा। हे बाबा, मतलब छठ में खाए थे वो बात अलग हुआ। अच्छा। ऐसे घर में बनाने की बात रही। सो हो गया, खा ली बेटा, खा ली। इनका चल रहा था अभी खाना, खा लिए। बहुत दिन बाद मैगी दिए बनाकर। कभी कभी देना चाहिए बच्चा लोग सप्ताह में एक बार जीत करने लगे थे और अभी ये रह नहीं रहे हैं। क्या करें, लेते रहते हम यहाँ बना रहे हैं खीर। यही तो है समस्या। देखिए इनको पैर में जूता पहना दिए, कितना अच्छा लग रहा है। खिल जाए ना। हाँ। वो क्या तो बोल रहे हैं वो पाजी ओ। और डूबू साहब ना कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या मांग रहे हैं, लेकिन वो अपने मन से मांग रहे हैं। ऊपर मतलब कंधे पर लेने के लिए परेशान रहते हैं, हर समय लेने के लिए बोलते हैं। घर के लोग मना किए हैं कि ज्यादा कंधा पर नहीं लेना है इनको। इनका रात को नींद नहीं आता है और रात को इनका कोई समय नहीं सोने का है। कहीं 12 ही बज जाता है, कभी 11, कभी 10, कोई टाइम नहीं है। और ये कब उठ जाएगी इसका भी कोई टाइम नहीं है। गुस्सा गए, गुस्सा गए। बहुत परेशानी दोस्तों घर में। अगर बच्चे लोग है ना तो समय पर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो। सोचो कर लेंगे लेकिन नहीं कर पाओगे। सुबह में टुकू साहब जल्दी उठ जाते हैं और वो जहाँ उठ के थोड़ा सा कुछ देखे कि बाबू नहीं उठा सुतल है, बस चुमा हटने रखा हो गया। फिर सुबह पापा ना बेटा जो है थोड़ा सा घुमाएंगे, मालिश कर देंगे। पहले खाना वाना बना लेते हैं फटाक से, क्योंकि अभी एक थोड़ा सा ये घुमाएंगे तो हम खाना रेडी कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई दाई है नहीं कि खाना बनाएगी। उतना तो सोचने लायक हम लोग को है भी नहीं। खैर कोई नहीं, आप सबका सपोर्ट सहयोग से भी हो जाएगा वो सब। और रही बात हमारे टीवी को लेकर, आप सबने भर भर के कमेंट किया था कि टीवी तुम दिखा नहीं रही थी, बहुत पुराना टीवी है, इसे छुपा के रखी थी वगैरह वगैरह। तो क्या बोले दोस्तों, जब दिखाना है तब दिखा दिए। और वीडियो प्लीज पूरा फुल देखा कीजिए, तब आप सबको समझ जाए कि हमने वीडियो में पूरा क्लियर कह दिया है कि हाँ जी ये जो टीवी हमारा पुराना है, बस हम ओपन नहीं किए थे, हमने दिखा नहीं थी। तो आज हमने ओपन भी कर दिया था, दिखा भी दिया, फिर भी आप सबके इतने भद्दे भद्दे कमेंट आ रहे थे। टीवी पुराना नहीं है, टीवी नया है, पिछला साल का लिया हुआ है, बस हम लोग शो नहीं किए थे। और आप सब लोग ये भी कह रहे थे कि तुम अपने घर में वाल पुट्टी नहीं लगवा रहे हो और टीवी देने का औकात है तुम लोग के पास, वाल को लगाने का औकात नहीं है। दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि जिसका घर है वो लोग अभी कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। हम लोग पास उतना है नहीं कि हम इतना कर पाएंगे। जो भी आप सबके सामने है, आप खुद सोचे ना कि हमारा व्यू ही कितना, यूट्यूब से कितना इनकम होता ही होगा। फिलहाल घर चल जाता है, कुछ मायके से सहयोग हो जाता है, अब तो ससुराल का भी सपोर्ट हो गया, तो और भी अच्छी बात है। तो बस टीवी के लेकर आप लोगों के बहुत सारे सस्पेंशन है, अब उसको कितना तक आप तो सबको बता सकते हैं। और एक चीज बोलेंगे, टीवी हम लोग खरीदे नहीं है बल्कि हमें स्पॉन्सर मिला है, फिर भी लोग आप बार बार हमने टांग खिंचाई कर रहे हैं। नहीं तो अगर खरीदा होता तो हम कभी आपको बता दिए होते कि हाँ टीवी हम लोग लिए हुए हैं, लेकिन हम नहीं बताना चाहे उसमें उचित नहीं समझे। चलिए खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज के ब्लॉग हम लोग यहीं पर रखते हैं, फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।